वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उड़ान। मैं डॉक्टर शैलेश। आज हम लोग चर्चा करेंगे एंटीक्विटी ऑफ आयरन इन इंडिया, भारत में लोहे की प्राचीनता के संदर्भ। चूंकि आपको पता है कि लोहा एक ऐसी महत्वपूर्ण धातु है जिसके उपयोग के बाद मानव की संस्कृति में बड़ा तीव्र परिवर्तन होता है। और अगर आप ये कहें कि जो मानव का ये संपूर्ण आधुनिक विकास है, कृषिकरण है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस मजबूत और कठोर धातु का हाथ है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जब आप देख रहे थे ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के बारे में, उससे पूर्व की पाषाण संस्कृतियों के बारे में, तो जो विकास की प्रक्रिया हमें दिखाई दे रही थी वो अपेक्षाकृत धीमी थी। लेकिन लोहे के प्रयोग ने अचानक से प्रोडक्शन सरप्लस को बढ़ा दिया, अर्थात कृषि में उत्पादन को बढ़ा दिया। और कृषि में अतिशय उत्पादन होने की वजह से या उत्पादन की अधिकता होने की वजह से नगरों का बनना प्रारंभ हुआ, व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ हुआ, मुद्रा अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से संस्कृति का विकास बहुत तीव्र हुआ। और इन सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है मनुष्य के द्वारा लोहे का प्रयोग। लोहे के प्रयोग करने से जंगलों की झाड़ियों की सफाई करना आसान हुआ, कृषि उपकरणों के प्रयोग की वजह से गहरी जुताई आसान हुई, और उस गहरी जुताई के फलस्वरूप उत्पादन की अधिकता हुई। और जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है, जो द्वितीय नगरीकरण का फेज है भारत में, वहां से आप समझ सकते हैं कि लोहा कितना उपयोगी है। इस द्वितीय नगरीकरण ने पूरा का पूरा हिस्टोरिकल सिनेरियो बदल दिया, अर्थात आधुनिक जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो लोहे के उपयोग के बाद प्रारंभ हुई या लोहे के उपयोग ने उनको प्रेरित किया। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि भारत में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। आप इस मैप पे देख सकते हैं, बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया के रीजन है, कुछ महत्वपूर्ण लौहकालीन या कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल जहां से आपको लोहे की प्राचीनतम एविडेंस प्राप्त हुए हैं, मल्हार और राजा नल का टीला, यहाँ से आपको लोहे के प्राचीनतम एविडेंस प्राप्त हुए हैं। आयरन मेटलर्जी, लौह के धातु कर्म की सूचना मिलती है, अर्थात ये लोग लोहे के अयस्क आयरन और को पिघलाते थे, पिघलाने के बाद उसको सफाई करते थे और सफाई करने के बाद लोहे के उपकरणों को बनाते थे। झूसी और कौसाम्बी, ये दोनों इस रीजन में, यहाँ से भी आपको लोहे के साक्ष्य मिले हैं। लखनऊ और दादूपुर एक रीजन है, यहाँ पे भी आपको लोहे के काफी प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि भारत में लोहा कब आया, कैसे आया, ये इंडिजीनियस है कि जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने प्रारंभ में कहा कि ये किसी विदेशी संस्कृति का प्रभाव है भारत में। इन सब चीजों पे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो आधुनिक अध्ययनों की शुरुआत हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रारंभिक तौर पे जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे उनका है। तो इन औपनिवेशिक इतिहासकारों का यह मानना था कि भारतीयों ने स्वयं से लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया, अर्थात इन्होंने कहीं दूसरी जगह से लोहे के प्रयोग की विधि जो है वो सीखी। और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो बलूचिस्तान का इलाका है, जो ईरान का इलाका है, वहां से लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। और इन संस्कृतियों की जो डेट है, लोहे के प्रयोग करने वाली संस्कृतियों की डेट है जो इन रीजन से प्राप्त हुई है, वो 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास की है। तो इस आधार पे इनका ये मानना था कि जब ईरान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास का के लोहे का प्रयोग हो रहा था, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, ये इसी के बाद लोहे के प्रयोग के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि इनका ये मानना था कि भारतीयों ने लोहे का प्रयोग पश्चिम से सीखा, इराक अथवा ईरान के क्षेत्रों से सीखा। और प्रारंभ में ये माना जाता था कि जो हिटाइट थे और मिट्टनी शासक थे, या जिसको आप लोग हखमानी या साखामनी शासक कहते हैं, सबसे पहले लोहे का प्रयोग उन्होंने किया। और मिस्र में आपको लोहे के प्रयोग की सूचना सबसे प्रारंभिक तौर पे प्राप्त होती है। और जब साखामनी शासकों का पतन हुआ तो वहां के जो कारीगर थे वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, और उनकी वजह से ये लौह क्रांति का प्रसार होता है या लोहे के प्रयोग करने का प्रसार होता है। बाद में एक थियरी आई भारत में आर्यों के आगमन की या आर्यों के आक्रमण की थियरी। तो बहुत से यूरोपीय विद्वानों का मानना था कि भारत में लोहे का प्रयोग आर्यों के आगमन के पश्चात हुआ। हालांकि इन्होंने इससे पहले जो है भारत में लोहे का प्रयोग सिकंदर के आक्रमण के साथ जोड़ा और कहा कि सिकंदर के साथ जो है लोहे के प्रयोग की संस्कृति भारत में आई, परंतु वो सिकंदर के साथ आए लेखकों के जो इंटरनल सोर्सेज हैं, उनकी पुस्तकों में जो आपको उल्लेख मिलते हैं,
उससे निश्चित तौर पे ये साफ हो जाता है कि नहीं, भारत के लोग इससे पहले लोहे का प्रयोग जानते थे। अभी हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये माना गया कि ईरान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों के बाद भारत में जब आर्यन का आगमन हुआ, आर्यों का सो कॉल्ड आक्रमण हुआ, उसके बाद भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले माना गया कि इंडो यूरोपियंस जो थे, अर्थात जो भारूपीय थे, और जब वो भारत में आए और उनके आने के बाद भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1200 BC के आसपास जो है ईरान और बलूचिस्तान से लोहे के प्रयोग की संस्कृतियों के साक्ष मिलते हैं, और आर्यों की जो आगमन का जो मिथक है, जो सिद्धांत है, उसकी भी तिथि जो है लगभग 1500 मानी जाती है। और हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में भी देखा था कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत था और वो तिथि भी लगभग यही है। तो इन साक्ष्यों के आधार पर ये माना गया कि भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद ही प्रारंभ हुआ। परंतु हम लोग अब देखते हैं कि क्या ऐसा इंटरनल सोर्सेस में बताते हैं या जिन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं वहां पर हमें ऐसा कुछ साक्ष्य मिलता है। तो जो सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है हमारा, जिसकी रचना काल सबसे प्रारंभ में मानी जाती है, उसकी डेट लगभग मानी जाती है 1500 ईस्वी पूर्व। ये 1500 ईस्वी पूर्व जो है वो रचना का काल माना जाता है ऋग्वेद का। और ऋग्वेद की रचना का काल 1500 ईस्वी पूर्व, हालांकि कुछ लोग इससे पहले भी मानते हैं और कुछ और भी विवाद है कि इससे बाद भी इसकी रचना का काल माना जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास ऋग्वेद की रचना प्रारंभ होगी। रचना प्रारंभ होने का मतलब लेखन कला के साथ नहीं, बल्कि ये मौखिक स्वरूप में ऋग्वेद के ऋचाएं जो उनकी हैं वो रची जाने लगी। और इसी ऋग्वेद में आपको एक शब्द मिलता है, वो शब्द मिलता है आयस। आयस का मतलब होता है धातु, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आयस शब्द जो है वो लोहे के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम इस सोर्स को माने तो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है इस तरह के शब्द का प्रयोग मिलने लगता है। लेकिन ये बड़ा विवादित शब्द है कि आयस वास्तव में कोई धातु है अथवा लोहा। तो निश्चित तौर पे आयस का प्रयोग धातु के संदर्भ में हुआ है, लोहे के संदर्भ में नहीं हुआ है। लेटर वैदिक एज, जिसको आप 1000 से 700 ईस्वी पूर्व के आसपास रखते हैं, लेटर वैदिक एज में आपको ऐसे क्लियर एविडेंस मिलने लगते हैं जहां पे हम लोहे की बात कर सकते हैं। जैसे यजुर्वेद की जो तैतरीय संहिता है, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद की जो तैतरीय संहिता है उसमें जो है आपको एक शब्द मिलता है, आयस के साथ जुड़े हुए दो शब्द आपको मिलते हैं। आयस तो पहले ही कहा जा रहा था, यहां पे आपको दो शब्द मिलते हैं, एक लोहित आयस और दूसरा कृष्ण आयस। अब ये जो लोहित आयस है, यहां रंग से मतलब है, लोहित आयस तो माना जाता है कि लोहित आयस तांबे को कहा जा रहा है, और जो कृष्ण आयस है ये लोहे के प्रयोग के साक्ष्य है, या लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता था। तो क्लियर अगर हम देखें तो हमें लेटर वैदिक एज में पहली बार साहित्य के संदर्भ में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया है, कृष्ण आयस और लोहित आयस दो शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कृष्ण आयस को सीधे तौर पर लोहे से जोड़ा जाता है। इसी तैतरीय संहिता में आपको ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसे हल थे जिनको 6 अथवा 12 बैलों के द्वारा खींचा जाता था, हल जमीन को जोतने के लिए। अब आप यहां पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, अगर 6 अथवा 12 बैलों से खींचे जाने वाला हल है, इसका मतलब है कि उसकी जो फाल है, जो कटलर है, वो बहुत ही मजबूत धातु से बना होगा, अन्यथा वो टूट सकता है, क्योंकि 6 और 12 बैलों की संयुक्त शक्ति बहुत ही ज्यादा होगी। तो इस आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः लेटर वैदिक फेज में कृषि कार्य के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आपको दिखाई देने लगता है। इसी तरह से जो चौथा वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद में भी आपको सीधे तौर पे उल्लेख मिलता है दो चीजों का, कटलर और एमुलेट। लोहे की फाल की सूचना मिलती है और आपको ताबीज की सूचना मिलती है जो लोहे से बनी होती थी या जिसका कवर लोहे से बना होता था। अब देखिए कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद बेसिकली इसमें कृषि की गतिविधियों के बारे में पर्याप्त सूचना मिलती है,
फसलों की रक्षा के बारे में पर्याप्त सूचना मिलती है, गोबर की खाद करीज की सूचना मिलती है, अनाज को कूटने पीसने साफ करने की सूचना मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अथर्ववेद है वो एक ऐसी कल्चर के बारे में शो कर रहा है, ऐसी संस्कृति के बारे में बता रहा है कि जो लोग कृषि का कार्य जो है वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। और इसी संदर्भ में आपको लोहे के फाल के प्रयोग की सूचना मिलती है। हल में लोहे का जब फाल लगता है तो जमीन की जो जुताई होती है वो काफी डेप्थ में होती है और जिसकी वजह से जो है अच्छी फसल होने की या फसल की उत्पादकता बढ़ सकती है। तो निश्चित तौर पे अथर्ववेद जो है वो लोहे के प्रयोग की स्पष्ट सूचना देता है और ये काल हम मान सकते हैं 1000 से 700 BCE बिफोर कामन एरा के बीच में, अर्थात 1000 से 700 ईस्वी के बीच आपको लोहे के प्रयोग के क्लियर एविडेंस मिलते हैं लिटरेरी एविडेंस में, साहित्यिक साक्ष्यों में। हालांकि हमें ऋग्वेद से भी साक्ष्य मिलता है परंतु वो शब्द केवल आयस है, हम क्लियरली ये नहीं कर सकते कि वो जो है लोहे के बारे में बात करें। लेकिन लेटर वैदिक केस में आपको स्पष्ट तौर पे लोहे के प्रयोग या लोहे के जो मेटलर्जी है, लोहे के जो उपकरण बनाने की प्रक्रिया है वो स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देगी। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण में भी आपको आयरन जो है कृषकों के एग्रेरियन सोसाइटी या कृषकों के इक्विपमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है शब्द का, या कहा गया है कि लोहा जो है वो खेती करने वाले लोग ज्यादा प्रयोग करते थे। तो निश्चित तौर पे कृषि उपकरण जो है लोहे के बनने लगे हैं। और इसी समय का जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो पीरियड है वो भी लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास है। और भारत में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं अभी इस रीजन के, वहां पे आपको स्पष्ट तौर पे लोहे के प्रयोग की सूचना मिलती है। लोहे के कृषि उपकरण भरपूर मात्रा में आपको पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त होते हैं। अंगुत्तर निकाय में भी आपको आयरन मेटलर्जी का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। आयरन मेटलर्जी अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी आपको लोहे के प्रयोग की सूचना मिलती है कि लोहे को किस तरह से पिघलाया जाता है, लोहे के फाल जो बनाए जाते हैं उस फाल को बनाने की सूचना मिलती है, लोहे के कृषि उपकरणों को बनाने की सूचना मिलती है। और ये दिखाया गया है कि या उस ग्रंथ में ये उल्लेख है कि किस तरह से लोहे को पिघलाया जा रहा है, किस तरह से लोहे को साफ किया जा रहा है, क्लियर एविडेंस है आपको आयरन मेटलर्जी के साक्ष्य। और एक ग्रंथ है जो बौद्ध ग्रंथ ही है, सुप्त निपात में पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है किस तरह हल की फाल को बनाया जाए, कि पहले उसको गर्म किया जाए अग्नि में, आग में गर्म करने के बाद उसको फायर करने के बाद उसको ठंडा किया जाना है, कि किस तरह से उसको पीटना है और उस पीटने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह से लोहा अपना कलर चेंज कर रहा है, लोहा अपना रंग बदल रहा है, इस प्रक्रिया का पूरा वर्णन हुआ है कि किस तरह से आयरन को गर्म करना है, लोहे की सीट को गर्म करना है, किस तरह से उसको पीट पीट कर कृषि के उपकरण बनाए जाने हैं। तो ये सूत्र निपात में आपको क्लियर एविडेंस मिलते हैं। तो अगर हम पूरा होल इस लिटरेरी एविडेंस को देखें तो ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में भले ही हमें स्पष्ट तौर पे लोहे के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे के प्रयोग के क्लियर एविडेंस प्राप्त होने लगते हैं, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ हो, प्रत्येक ग्रंथों में आपको लोहे के प्रयोग की सूचना प्राप्त होती है। और अगर हम इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ इसको तुलना करें इसकी, तो निश्चित तौर पे 1000 से 700 ईस्वी पूर्व के बीच आपको लोहे के स्पष्ट प्रयोग के साथ यहाँ पे प्राप्त होने लगते हैं। अब हम इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें भारत के डिफरेंट रीजन में कि लोहा कब कहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में मिलता है। तो जब हम इंडो गंगेटिक प्लेन की बात करेंगे, जो गंगा का मैदान का क्षेत्र है, ऊपरी गंगा का मैदान का क्षेत्र है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है बेसिकली, वहां से जो है आपको PGW कल्चर के साथ जो है लोहा मिलता है। और वो प्लेस कौन है, जैसे जखेरा है, भगवानपुरा है, अतरंजी खेड़ा है, अईछत्रा और हस्तिनापुर है। क्या है PGW कल्चर के साथ आपको लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले। प्रारंभ में PGW कल्चर की जो तिथि थी वो थर्मोलिम्सस उष्मादीप्ति तिथियों और कार्बन डेटिंग के बेस पे मानी जाती थी कि लगभग 900 ईस्वी पूर्व में जो है PGW का प्रयोग हुआ। लेकिन अब जो है PGW की डेट्स है वो लगभग 1300 ईस्वी पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व जनरल फॉर्म में आप कर सकते हैं। कुछ जगहों पे हमें इससे पूर्व भी थर्मोलिम्सस डेट मिलती है लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि 1200-1300 ईस्वी पूर्व PGW कल्चर जो है पूरी तरह से आपको दिखाई देने लगती है। अब इस PGW कल्चर के साथ दो तरह के आपको एविडेंसेस मिलते हैं। पहला,
पीजीडब्ल्यू विद आयरन और दूसरा पीजीडब्ल्यू विदाउट आयरन। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रिंटेड ग्रेवेयर कल्चर्स मिले हैं, चित्र दूसर मृदभांड आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपको वहां पे लोहे के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आपको इस पीजीडब्ल्यू के साथ लोहे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेसिकली जो वेस्टर्न रीजन है भारत का और गंगेशिक मैदान का, जो गंगा के मैदान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पे आपको ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं। और ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में लोहा लगभग 1200 ईस्वी पूर्व प्रयोग होने लगा था, ऐसा मानना है। और इसमें से अतरंजी खेड़ा जो पुरा स्थल है वहां से लगभग 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास आपको आयरन मेटलर्जी के क्लियर एविडेंस मिलते हैं, आयरन स्लैग्स आपको मिलते हैं। लोहे को जब कच्चे लोहे को या लोहे के अयस्क को जब पिघलाया जाता है तो जो अशुद्धियां निकलती हैं उनको आयरन स्लैग बोलते हैं। तो भट्टियों में लोहे के मेटलर्जी, लोहे को पिघलाए जाने के आयरन स्लैग के क्लियर एविडेंस आपको अतरंजी खेड़ा पुरास्थल से प्राप्त होता है और इसकी डेट भी 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास रखी जाती है। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो ये बताता है कि इस रीजन में लोहा जो है 1200 ईस्वी के पूर्व के आसपास प्रयोग होने लगा था। अब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं जो मिडिल गंगा वैली है, जिसमें आपका कौसाम्बी का रीजन आ जाएगा और प्रयागराज झूसी का रीजन आ जाएगा, वाराणसी का जो राजघाट का एरिया आ जाएगा और हम बंगाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एरिया है बेसिकली कौसाम्बी, राजघाट और राजा नल का टीला, इस एरिया से जो आपको आयरन वर्किंग या आयरन मेटलर्जी के जो एविडेंस मिलते हैं वो भी अभी तक लगभग 1100-1200 ईस्वी पूर्व के आसपास मिलते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल ईस्टर्न रीजन में जाएंगे, पूर्वी रीजन में जाएंगे, जैसे पुरास्थल है पांडु राजा दिल्ली जो वेस्ट बंगाल में है, तो वहां से जो है आपको लगभग 750 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलने लगेंगे। हम एक दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं जो सेंट्रल इंडिया मध्य भारत का क्षेत्र है, और मध्य भारत के क्षेत्र में चारुकृतिक कल्चर के फेज से आपको जैसे आहार है वहां से आपको आयरन के साक्ष्य मिलने लगेंगे। बाद में जोरवे कल्चर में जो प्रकाश, बहाल, नागदा, ये सब पूरा स्थल है, यहां से आपको लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और ये जो डेट है ये डेट भी आपको लगभग 1100-1200 ईस्वी पूर्व के आसपास जा रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में या इससे पहले विदर्भ के क्षेत्र में देखते हैं, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र है वहां पे भी आपको बृहत पाषाणिक समाधियों के साथ लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलने लगे हैं और बृहत पाषाणिक समाधियों की संस्कृति भी 1000-1200 ईस्वी पूर्व के आसपास रखी जाती है। और यहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में लोहे के उपकरण मिलते हैं। बृहत पाषाणिक समाधियों में जो समाधियों के साथ जो रिमेल्स आपको प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष रखे जाते थे, उसमें लोहे के उपकरणों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। लोहे की छड़ों का, लोहे की सुइयों का, कृषि के उपकरणों का प्रयोग आपको पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। अब जब हम भारत, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जाते हैं, तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में आपको बहुत से ऐसे पुरास्थल मिले हैं जो बृहत पाषाणिक समाधियों के, महापाषाणिक समाधियों के, वहां से भी आपको लोहे के प्रयोग के साथ लौह उपकरणों की पर्याप्त सूचना मिलती है और उसकी डेट भी लगभग 1100-1200 ईस्वी के पूर्व के आसपास जाती है। तो अब ये प्राइमरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे। आज से कुछ वर्ष पूर्व के जो पुरातात्विक उत्खनन थे वहां से आपको लोहे के प्रयोग की जो सूचना मिलती है, अगर हम पूरे भारत में देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में एक ऐसी डेट है 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रत्येक जगह लोहे का प्रयोग निश्चित मात्रा में, निश्चित तौर पे आपको दिखाई देता है और बहुत अधिक मात्रा में लौह उपकरण प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें कम से कम इसकी प्राचीनता 200-300 साल पहले रखनी होगी, क्योंकि प्रचलन में आना कोई चीज, किसी चीज का प्रयोग होना और प्रचलन में आना, और हम लोग हजार साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो उस समय इंट्रैक्शन भी इतना ज्यादा नहीं रहा होगा। और चूंकि लोह का प्रयोग करना, आयरन की मेटलर्जी जो है वो एक कठिन काम है, काफी श्रम साध्य है और कुछ तकनीकी कुशलता भी आपको चाहिए, क्योंकि कम से कम जो है 1200-1500 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तभी आप आयरन के अयस्क को पिघला सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये माना जा सकता है कि विधिवत प्रयोग से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उससे लगभग 300 साल पहले आयरन मेटलर्जी के बारे में लोग जानना शुरू कर दिए थे, लोहे के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। तो इस आधार पे एक सामान्य निष्कर्ष ये निकाला जाता था भारत में कि भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास क्लियर एविडेंस आपको मिलने लगते हैं, प्रारंभ हो गया था। और हम ये मान सकते हैं
कि लगभग 1300 ईस्वी पूर्व 1400 ईस्वी पूर्व भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ये प्राइमरी एविडेंसेज आपके पास थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो कुछ नए कार्य हुए हैं आयरन के क्षेत्र में या जो कुछ नए पुरास्थलों का उत्खनन हुआ है, उन उत्खननों ने लोहे के की प्राचीनता पर एक नया प्रकाश डाला है। आप यूं कह सकते हैं कि लोहे की प्राचीनता का जो सिनेरियो था, जो हम मानते थे कि लोहे की प्राचीनता 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास थी, अब वो जो प्रक्रिया थी वो बदल चुकी है। अर्थात अब लोहा जो है इससे भी प्राचीन आपको मिलता है। ये कुछ डेट्स हैं जो एक्सवेशन के डिफरेंट साइट के एक्सवेशन से मिली हैं, और यहाँ पे आपको दोनों तरह की तिथियां दी हुई हैं, बिफोर प्रेजेंट बीपी की डेट्स भी दी हुई है और आपको बीसी की डेट्स भी दी हुई है, बीसीई की डेट्स भी दी हुई है, बिफोर कॉमन एरा की डेट्स भी दी हुई है। अब आप देखिए यहाँ पे अतरंजी खेड़ा एटा में है, अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रयोग के जो साक्ष्य मिलते हैं वो 2890 बीपी में मिलते हैं। अब आप इसमें से आपको पता है कि 1950 आपको जो है घटा देना है तो आपको बीसीई की डेट्स मिल जाएगी। अब जैसे हल्लूर कर्नाटक का पुरास्थल है, यहाँ से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य आपको लगभग 1385 इसका मतलब 1400 ईस्वी पूर्व आसपास आपको प्राप्त होने लगा है। अब कुमारन हल्ली ये भी कर्नाटक में है, यहां से भी आप देखिए कई डेट्स आपको मिली है 1300 1200 1300 1400। मीरापुरम यहां से भी आपको 1300 1200 1600 या लगभग 1700 की डेट आपको मिली है। इसी तरह से रामापुरम में भी आपको 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास की डेट प्राप्त हो रही है। और भी कई पुरास्थल हैं जैसे अदम है महाराष्ट्र में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये सारी डेट्स एक ही लैब की हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टीएफ की डेट्स भी है, पीआरएल की डेट्स भी है और बीएस की डेट्स भी है। इसका मतलब टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई की डेट्स भी है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद की भी डेट्स हैं और बीएसआईपी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी जो हुआ है अब हो गया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस उसकी भी डेट्स हैं। और ऐसा नहीं कि केवल कार्बन डेट्स हैं, यहाँ पे आप देखिए टीएल डेट्स भी आपको दिखाई दे रही हैं, सी14 डेट्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो कार्बन 14 विधि से भी निकाली गई तिथियां हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस तिथि से भी निकाली गई तिथियां हैं, डिफरेंट अलग अलग लैब्स की जो तिथियां हैं वो आप कई पुरास्थलों को देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ पुरास्थलों को देखिए, जैसे राजा नल का टीला है, बीएसआईपी की डेट है, पीआरएल की डेट है, यहाँ पे दोनों दो अलग अलग जो है लैब की डेट्स हैं। और इसमें आप देखिए तो यहाँ पे भी आपको 1400 ईस्वी पूर्व की डेट दिखाई दे रही है, 1400 ईस्वी पूर्व 1100 ईस्वी पूर्व 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास की डेट आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। मल्हार जो बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है लोहे के प्रयोग और उसकी प्राचीनता के संदर्भ में, यहाँ पे जो है आपको बीएसआईपी की डेट्स हैं और ये डेट्स आप देखिए ये आपको 1800 1900 और 2000 के आसपास की डेट्स प्राप्त होती है। यहाँ की जितनी भी डेट्स हैं वो जो है 1700 के ऊपर ही, अर्थात 1800 और 1900 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास की डेट है। दादूपुर जो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे भी आप देखिए तीन डेट आपको दिखाई दे रही है। और इसी तरह से लहुरा देवा और झूंसी की डेट्स भी आपको 1200 और 1300 के आसपास लोहे के प्रयोग के साक्ष्य आपको प्राप्त होने लगे। अब हम इन सारी डेट्स को कैलिब्रेट करके एक सामान्य जो है उसमें प्रस्तुत करते हैं। और आप देखिए ये रीजन है, ये डिफरेंट रीजन है, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, आपको पांच स्टेट से डेट ये प्राप्त हो रही है, पांच अलग अलग प्रदेशों से ये तिथियां मिल रही हैं और उन प्रदेशों के अलग अलग एरिया से ये डेट्स मिल रही हैं। और आप देखिए कि ये डेट्स कितनी हैं। राजा नल का टीला 1400 ईस्वी पूर्व की डेट्स है, मल्हार जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है लोहे की प्राचीनता के संदर्भ में, वहां आप 1800 से 2000 बिफोर कॉमन एरा की डेट देख सकते हैं, बीसी की डेट देख सकते हैं। दादूपुर लखनऊ की डेट्स 1700 ईस्वी पूर्व की डेट है, लहुरा देवा 1200 ईस्वी पूर्व की डेट है, अतरंजी खेड़ा 1300 ईस्वी पूर्व की डेट है। हमने आपको पहले बताया कि अतरंजी खेड़ा से जो है आपको आयरन की जो भट्टी बनाने की सूचना प्राप्त होती है, लोहे को पिघलाने की लौह प्रगलन की भट्टियां प्राप्त हुई वहां से। कुमारन हल्ली जो कर्नाटका में है 1400 ईस्वी पूर्व, हल्लूर कर्नाटका में 1300 ईस्वी पूर्व, वीरापुरम आंध्र प्रदेश 1300 से 1500 ईस्वी पूर्व, यहाँ की डेट्स जो है वो 1700 ईस्वी पूर्व तक की डेट्स भी आपको प्राप्त होती है। इसको जनरलाइज किया गया है तो 1300 1500
रामापुरम, यहाँ से भी आपको 1300 से 1500 क्लियर एविडेंस मिलने लगते हैं, लेकिन लोहे के प्रयोग के साथ आपको यहाँ से 1700 ईस्वी पूर्व में भी प्राप्त होने लगते हैं। इसी तरह से अदम जो विदर्भ महाराष्ट्र का रीजन है, वहां पे भी आपको 1500 तक ईस्वी पूर्व तक लोहे के प्रयोग के क्लियर एविडेंस प्राप्त होने लगते हैं। हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी प्राप्त हुए हैं लोहे के प्रयोग के, तो आप देखिए ये कैरिकेचर है जो नैकुम से प्राप्त है कि किस तरह से लोहे की भट्टियां बनाई जाती होंगी। ये आप चंदौली डिस्ट्रिक्ट से जो मल्हार साइट है, मल्हार चंदौली में, वहां पे आप देख सकते हैं कि लोहे का प्रयोग या किस तरह से भट्टियों में लोहे को पिघलाया जाता था। ये आपको यहाँ से लोहे की क्लियर जो है आयरन वर्किंग के लोहे की मेटलर्जी की सूचना आपको, क्लियर एविडेंस आपको यहाँ से मिलता है। इसके अलावा हमें लोहे के उपकरण प्राप्त हुए, डिफरेंट तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये राजा नगर का किला से प्राप्त उपकरण है, आप देखिए हालांकि काफी रस्टिकेटेड है, ये जंग लग गई है इनमें। इसी तरह से आप दादूपुर से प्राप्त जो स्पीयर्स है, जो भाले का ऊपरी हिस्सा है उसको देख सकते हैं, यहाँ पे भी लोहे के कुछ साक्ष्य आपको दिखाई दे रहे हैं। अन्य जगहों से भी हैं, डिफरेंट जगह से, जैसे ये मल्हार चंदौली, ये देखिए यहाँ पे किस तरह से लोहे के उपकरण पैटिनेटेड हो गए हैं उस पर, और साथ में कुछ डिजाइन अन्य जो है आपको पॉटरीज और बीड्स, बीड्स मेकिंग की भी सूचना मिल रही है, पॉटरीज की भी सूचना मिल रही है, स्टोन टेराकोटा, ये मल्हार से प्राप्त हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि भारत में लोहे का प्रयोग काफी पहले प्रारंभ हो गया था। अब समस्या ये है कि जो कुछ पुस्तकें हैं जिनको आप लोग कंसल्ट करते हैं नॉर्मली, उन पुस्तकों में लोहे की जो डेट है वो अपडेट नहीं है, काफी पहले की डेट है। तो इसलिए हमने वो रेफरेंस भी दे दिया है जहां से आपको लोहे के प्रयोग के क्लियर एविडेंस, जो प्राचीनतम एविडेंस है, वो मिल सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इन इन पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में जो चीजें आपको मिलेंगी वो यहाँ पे आपको शो की गई हैं, वो टेबल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, और वो सारे रेफरेंस दिए गए हैं, पब्लिकेशन के रेफरेंस दिए गए हैं, जिससे जाकर आप लोहे की प्राचीनता की जो तिथियां हैं उसको आप कंफर्म कर सकते हैं, जो कि आपकी पुस्तकों में अपडेटेड नहीं है। और अंततः हम क्या कह सकते हैं, तो अगर आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, इस तरह के सवाल को अगर आता है कि लोहे की प्राचीनता, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है लोहे की प्राचीनता, तो सबसे पहले आपको क्या देना है, लिटरेरी एविडेंस देना है, जिन चीजों की हम लोगों ने चर्चा की कि ऋग्वेद में लोहा का प्रयोग कैसा है, उसके साक्ष्य क्या है, अयस्क को लोहा कह सकते हैं ये नहीं कह सकते, उत्तर वैदिक काल में लोहित अयस्क और कृष्ण अयस्क में लोहा कहाँ है, अंगुत्तर निकाय की सूचना, सुत्रिपाद की सूचना और तैत्तिरीय संहिता की सूचना, तो इनमें जो लोहे के प्रयोग के जो एविडेंसेज आपको मिलते हैं आप वो सूचनाएं दीजिए, और उसके आधार पर जो तिथि आपको बताई जा रही है कि इतना हो सकता है, जो साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं, फिर आप पुरातात्विक साक्ष्यों में भारत के डिफरेंट रीजन में क्या स्थिति है लोहे की, जो चर्चा की जा चुकी है, और अंत में आप ये बताएंगे कि नवीनतम शोध के आलोक में भारत के कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों से प्राप्त, कुछ अलग अलग प्रदेशों से प्राप्त जो तिथियां हैं वो लोहे के प्रयोग की तिथियां ये हैं। अब इस तिथि के आधार पर हम क्या देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देख रहे हैं कि जो ओल्डेस्ट डेट है वो क्या है, वो 2000 के आसपास है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ अभी भी ऐसे उत्खनन हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है, और सामान्य तौर पर उनके पास जो सूचनाएं हैं, जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में अभी तक केवल पेपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हैं, उसमें लोहा शायद और थोड़ा सा पहले जा सकता है 200 साल। तमिलनाडु में अभी एक मंथ पहले ही वहां पे विधानसभा में ही एक आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में सूचना मिली जहां से भी लोहा 2000 के आसपास जा रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्हार पे क्लियर एविडेंस लोहे के प्रयोग के 2000 है। उसके बाद आप देखिए कुछ तिथियां 1700, 1300 से 1500, तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो लोहे की प्राचीनता है उसको हम लोग दो संदर्भों में देख सकते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि 2000 ईस्वी पूर्व से लेके 1800 ईस्वी पूर्व के बीच भारत के लोगों ने लोहे के प्रयोग को जान लिया, परंतु लोहा मैक्सिमम क्षेत्रों तक प्रसारित नहीं हुआ था। लोहे के मेटलर्जी के बारे में कुछ क्षेत्र जान गए थे, खासकर वो एरिया में लोग जहां पे आयरन के अयस्क उनको आयरन स्लैग के रूप में जमीन पर मिलते थे, अर्थात लोहे के अयस्क उनको खनन नहीं करना पड़ता था और वो जमीन पे मिलते थे, तो उन्होंने सीख लिया था कि ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट धातु है जिससे काम प्रयोग करके उपकरणों को बना सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं
कि 1800 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व तक भारत के अधिकतम क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग की सूचना आपको मिलने लगती है। तो स्पष्ट तौर पे आप लोहे के प्रयोग को भारत के संदर्भ में दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व तक लोहे के प्रयोग की सूचना मिलने लगती है कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों से, आप जिसमें मल्हार का नाम दे सकते हैं और हैदराबाद से जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है वहां से आप नाम दे सकते हैं। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच आप देख रहे हैं कि भारत के कई पुरास्थलों से ये डेट्स प्राप्त होने लगती है। इसका मतलब है कि इस समय तक लोहे का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में हो चुका था और 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र से आपको लोहे के प्रयोग की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था ये यहीं पे समाप्त होता है। आपको इसमें ध्यान देना है क्योंकि अभी तक आप जिन मटेरियल को कंसल्ट कर रहे हैं वो मटेरियल्स जो है अपडेटेड नहीं है, इसलिए आपको परीक्षा में लिखते समय भी स्पष्ट तौर पर इंडिकेट करना होगा कि नवीनतम शोधों के अनुसार और नवीनतम पुरातात्विक उत्खननों के अनुसार भारत में लोहे की ये नवीनतम डेट्स हैं। और जो टेबल आपको दिखाई गई उसमें जो डेट्स हैं वो प्लेस के आधार पे आप डेट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके जो रेफरेंसेस दिए हैं इन रेफरेंसेस पे आप जो है जाके चेक कर सकते हैं, आपको लोहे की प्राचीनता की वही तिथियां मिलेंगी जो यहाँ पे आपको बताई गई है। इससे संबंधित अगर कोई अन्य सवाल भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग अगला जो आपके टॉपिक्स हैं कुछ पुरास्थलों के बारे में जल्दी आपको उन पुरास्थलों पर भी मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।